अगर आप सिक्किम से हैं और बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आपके पिताजी के नेम के स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बर्थ सर्टिफिकेट में पिताजी के नेम को कैसे बदलें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आप पिताजी के नेम में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आपके पास गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। गजट नोटिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस और करेक्शन करवा सकते हैं फादर नेम के रिगार्डिंग। तो आइए जानते हैं किस तरीके से चेंजेस आप करवा सकते हैं। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में पिताजी के नेम की स्पेलिंग में सरनेम के साथ कुछ इश्यूज है या मिडिल नेम के साथ कुछ इश्यूज है, फर्स्ट नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, फुल नेम ही आप अपना चेंज करवाना चाहते हैं किसी भी रीजन से, तो सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन की मदद से बिल्कुल पॉसिबल है कि आप चेंजेस करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं गजट नोटिफिकेशन क्या होता है। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल पे पब्लिकेशन होता है आपका, जो आपका हर एक डिपार्टमेंट के लिए वैलिड होता है एंड हर एक डॉक्यूमेंट के साथ ये वर्क करता है। इसकी मदद से इजिली आप चेंजेस और करेक्शन करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं गजट नोटिफिकेशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एफिडेविट का। आपको एफिडेविट रेडी करवाना है जिसमें मेंशन होगी आपकी डिटेल्स, आपका सही नाम, आपका गलत नाम, आपका एड्रेस, दूसरा आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट का एड्रेस मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका दो न्यूज़पेपर में एड पब्लिकेशन, वन लोकल पेपर एंड वन नेशनल पेपर, जो डिटेल्स एफिडेविट में मेंशन है वही न्यूज़पेपर में मेंशन करनी होती है। तीसरा एक डिजिटल सीडी। ये थ्री स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी फाइल के साथ अपनी एड्रेस को अटैच करना है और जब आप एड्रेस को अटैच कर लेते हैं फ्रंट पेज पे तो पासपोर्ट साइज फोटो लगा के कम्प्लीटली अपनी फाइल को रेडी करके गवर्नमेंट ऑफिस जाना है। गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर अपनी फाइल को जमा करवा देना है। जब आप फाइल को जमा करवा देते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में तो गवर्नमेंट की साइड से भारत कोष की स्लिप आपको दी जाती है और जब वो स्लिप आपको मिलती है उसके बाद से ही आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है गवर्नमेंट की साइड से आपकी फाइल के ऊपर। कुछ समय बाद जैसे सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन पब्लिश होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट से तो वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकाल के बर्थ सर्टिफिकेट में उसकी मदद से चेंजेस कर सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप या हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।